नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है हरियाणा में सोनीपत के एरिया में जो है 50 एकड़ की फसल जो है जलकर राख हो गई। क्यों हुई और इसके कारण क्या रहे, तो हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाइए, लेकिन अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको समय पर जानकारी मिलती रहे। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे किसान भाई मैंने आपको बताया, ये एरिया है सोनीपत के जो राय विधानसभा क्षेत्र में है, 4 गाँव में खेतों में जो है अज्ञात कारणों से जो है आग लग गई। लगभग 50 एकड़ की फसल जो है जलकर राख हो गई। और दूसरी बात किसान भाइयों, मेन कारण क्या रहा, मेन कारण ये रहा कि जब गांव में आग लगी तो फायर ब्रिगेड नहीं आई, समय पर पहुंच नहीं पाई। गांव वालों ने अपनी और अपने गांव वालों की मदद से, अपने सहयोग से मिलकर सबने जो है आग बुझाई है और काबू उस पर पाया है, नहीं तो पता नहीं कितने एकड़ की फसल जलकर राख हो सकती थी। अब गाँव की बात कर लेते हैं कि जो कौन कौन से गाँव इसमें शामिल हैं। तो किसान भाइयों, गाँव है जाखोली, पबसरा मनाली और अटेरना के खेतों में आग लगी है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी इस बात को जानते हैं। जैसे कि यहाँ भी हुआ है, फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से, क्योंकि आग की जो है स्पीड जो है इस समय पर आग की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक या दो फायर ब्रिगेड भी काबू करने में असमर्थ हैं। और अगर पन्ना वैसे तो पहुंच ही नहीं सकती इतनी जल्दी, क्योंकि ये जो आग है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। गेहूं की आग बहुत स्पीड से चलती है, ये कोई बिल्डिंग की आग नहीं है जो एक फायर ब्रिगेड आएगी और उसको बुझा देगी। इसमें बहुत सारा एरिया कवर होता है, बहुत ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई का एरिया जो है ये लेकर चलती है। तो इसके लिए आपको कुछ दिशा निर्देश मैं देना चाहूँगा। आपको मैंने बता दिया 50 एकड़ की खबर जलकर राख हो गई। अब ये खबरें जो है हर रोज़ आती रहेंगी, जब तक सीजन चलेगा तब तक हर रोज़ खबर ऐसी हमें मिलती रहेंगी। कहीं कोई बीड़ी गिरा देगा तो कहीं अपने आप लग जाएगी, कहीं अज्ञात कहीं कारण पता ही नहीं चलेगा, कहीं जो है ट्रांसफार्मर से चिंगारी गिरेगी वहां से लग जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको दो तीन चीज़ें साफ कर देना चाहता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आग लगने का कारण नाम मात्र रह जाएगा। तो किसान भाई, सबसे पहला काम मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहला काम क्या है, जिन जिन भाइयों के खेत में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसके नीचे से जो है उसके चारों तरफ के एरिया से गेहूं को काट लीजिए और वहां से खुदाई जो है कर दीजिए। यानी कि जो घास है, फूस है, या जो गेहूं के जो फूस है वो बचना नहीं चाहिए वहां पर, उसके आसपास ट्रांसफार्मर को बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। आसपास का एरिया जिसका किसी प्रकार का घास उसके आसपास मत रहने दीजिए, क्योंकि अगर चिंगारी इस समय गिरती है तो आग बहुत जल्दी पकड़ती है, हरा घास भी आग पकड़ता है, समय ऐसा है, गर्मी इतनी हो जाती है इस समय पे। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, ट्रांसफार्मर को क्लीन जो है कर लीजिए बिल्कुल, नीचे उसका किसी प्रकार का घास या गेहूँ मत रहने दीजिए, वहाँ से काट लीजिए। सबसे पहली सावधानी आपके लिए यही रहेगी। दूसरी बात, कोई भी मजदूर अगर आपके खेत में आता है और आपको पता है आप उससे कुछ काम करवा रहे हैं, तो उसको बीड़ी पीने से बिल्कुल मना कीजिए। बीड़ी या सिगरेट भूल कर भी ना जलाएं, साथ में हुक्का भी जो है ना लेकर जाए खेत में। ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, आपने पूरी साल जो है पिया है, 2 दिन है, 1 दिन अगर आपको पीना भी है तो क्लीन एरिया में जाइए, थोड़ा हट के बाहर आके फसल से गमी की साइड या जो कच्चे रास्ते होते हैं उसकी साइड आप बोल सकते हैं कि आप जाकर पी सकते हैं। अगर पीते भी हैं तो भी उसको बीड़ी या सिगरेट को गिरते ही तुरंत उसको पाँव से कुचल दीजिए, उसमें जो है बिल्कुल भी चिंगारी मत बचने दीजिए, इससे भी बहुत जो है आपकी जो फसलें बचने वाली हैं। बहुत सारी गलतियां यहीं पर होती हैं, जैसे कि इन कारणों का जो है पता नहीं चल पाया, जैसे ही पता चलेगा वो भी हम देखेंगे कि जो क्या कारण जो है रहे थे। तीसरी बात मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहूँगा, तीसरा जो है, जिन भाइयों के पास गाँव में स्प्रे पंप हैं, ट्रैक्टर पर जो स्प्रे होता है, जिन भाइयों के पास वो स्प्रे पंप है, तो किसान भाइयों मैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा, अपनी जो टंकी है पानी की उसको फुल रखिए, अपनी जो पानी की टंकी है उसको फुल रखिए, क्योंकि क्या पता आपके गांव में किस साइड आग लग जाए। जो फायर ब्रिगेड है वो समय पर नहीं पहुंच सकती, ये मैं आपको बता रहा हूं, सरकार क्या बताएगी मैं बता रहा हूं आपको, नहीं पहुंच सकती समय पे, क्योंकि जो आग है, खेतों की जो आग है या गेहूँ की जो आग है, ये बहुत स्पीड से चलती है। जब तक फायर ब्रिगेड आएगी तब तक तो ये नहीं पता कितने एकड़ की फसल जलकर राख हो चुकी होगी। धूप इतनी होती है, गर्मी इतनी हो गई है, फसलें बिल्कुल तैयार हैं, हल्की सी चिंगारी से भी जो है आग बिल्कुल अपनी जो है गति जो है बहुत तेज़ जो है कर लेती है।
हवाएं चल रही हैं आपको पता है इस बात का, तो आग रुकने का नाम नहीं लेती। तो सभी भाई जिनके पास भी ट्रैक्टर वाले पंप हैं स्प्रे वाले, उनको भर के रखिए, क्या पता आपको कब गांव में किस साइड से मैसेज आ जाए। जैसे ही पता चले सभी भाई बिना किसी चीज़ की चिंता किए अपना जो स्प्रे पंप है लेकर जो है जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचें, और पानी का छिड़काव जो है उससे थोड़ी दूर को आगे की तरफ आप कर सकती हैं, क्योंकि जो है अगर भीषण आग होती है तो आपको इतना पास नहीं जाने देगी, तो आप उससे आगे जिस साइड आग जा रही है उस साइड आप उसका प्रयोग कर सकती हैं। या फिर अगर हल्की आग है, आग ने ज़्यादा स्पीड ना पकड़ी हो, ज़्यादा बड़े लेवल पर अगर आग नहीं पहुँच पाई और आप समय पर पहुँच गए, तो आप बड़ी आसानी से काबू इस तरीके से पा सकते हैं। तो किसान भाइयों पूरा सहयोग कीजिए आपस में, नहीं तो ऐसे ही हर रोज़ जो है फसलें जलकर राख होती रहेगी। हालांकि इन चार गांवों में जहां पर 50 एकड़ की फसल जलकर राख हुई है, इन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है कि जो हमारा जो खाना पीना है, हमारा जो काम है, वो हमारा जो परिवार है वो इन फसलों से ही चलता है, और 50 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई तो पता नहीं कितने किसानों की जो फसल ये थी, कितने घरों का जो है ये आप बोल सकते हैं कि जो सामान था जो खाने पीने का वो नष्ट हो गया, पूरी साल की कमाई जो है चली गई। तो किसान भाइयों इन बातों का विशेष ध्यान रखिए और पूरे सचेत रहिए, गांव में जैसी कोई खबर मिलती है उसी टाइम सभी मिलकर सहयोग करिए और जो है अपना काम करिए, हो सकता है कि आप बहुत सारे घरों की जो है आय को या कमाई को जो है बचा लें। मिलकर काम करेंगे तो आप कर सकेंगे। फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुँचेगी, बिल्कुल नहीं पहुँचेगी, क्योंकि आग जो है पहली बात तो यह है कि एक एक दिन में कई कई जगह आग लग जाती है। दूसरी बात यह है कि जो फायर ब्रिगेड है वो समय पर इसीलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि जो आग है गेहूं की वो बहुत स्पीड से चलती है, वो इतनी देर में तो कई एकड़ जो है फूंक देती है। जब तक फायर ब्रिगेड 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से आती है तब तक जो है बहुत सारे एकड़ जलकर राख हो चुके होते हैं, और अगर आ भी जाती है तो चुड़ाई इतनी हो जाती है आग की कि एक फायर ब्रिगेड को काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाई मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।